Hello everyone. Today, Mahatma Gandhi Institute has come with a new venture that is Current Affairs Magazine. अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में करंट अफेयर्स मैगजीन जो कि बाई मंथली है जुलाई अगस्त 2022, महात्मा गांधी ने इस चीज़ को अभी स्टार्ट किया है। हम लोगों ने मार्केट से या जो स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के उन लोगों की डिमांड पे कि मैगजीन क्या है, हमको इसे कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं और हम इस मैगजीन को क्यों खरीदें, तो इन्हीं सब का जवाब देने के लिए आज ये यूट्यूब चैनल पे हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपके सारे जो डाउट्स हैं मैगजीन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और इसके यूज से रिलेटेड उस चीज़ को कवर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैगजीन जुलाई अगस्त 2022 की है। ये बाई मंथली मैगजीन्स हैं जो कि दोनों मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मार्केट में उपलब्ध है। दूसरी चीज़ कि यह मैगज़ीन किस लिए है और हम इसको क्यों पढ़ें। ये मैगज़ीन आपके जो हमारे MPPSC मुख्य परीक्षा विशेषांक जो कि इसका टाइटल है, इसको फोकस करके बनाई गई है। इसमें जो हमारे मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बेसिक्स के साथ साथ जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आते हैं, पहली चीज़ उस चीज़ को ये कवर करेगी। दूसरा, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन चीज़ों की भी आपको एक प्रकार से अप्रोच डेवलप करवाएगी कि हम प्रॉपर सिलेबस के होते हुए भी किस चीज़ को कवर करें, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि हमारे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की श्योरिटी और बढ़ जाए। अब मैं इसको आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगी कि आप इस मैगज़ीन का यूज़ कैसे करें। हम सभी जानते हैं कि MPPSC का सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न है वो 3 लेवल में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। हालांकि इस मैगजीन का नाम है मुख्य परीक्षा विशेषांक या मेंस स्पेशल, तो पहले हम मेंस स्पेशल की बात करते हैं। इसमें मेंस स्पेशल में पेपर 1, 2, 3 एंड पेपर 4, अभी इन चारों पेपर पर फोकस किया गया है। चारों पेपर के हमने सेक्शंस डिवाइड करे हैं पर्टिकुलर, और इन सेक्शंस में हमारे जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं विथ रेफरेंस टू दीज पेपर्स, उन सिलेबस के टॉपिक का करंट अफेयर्स के साथ रिलेशन या रिलेवेंस के साथ उस चीज़ को समझाया गया है। आपको मैं एग्जांपल के रूप में बताती हूँ, जैसे कि पेपर 1 में हमारा जो टॉपिक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से रिलेटेड, जो भी जो घटनाक्रम हुए हैं या उनसे रिलेटेड जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं पूरे नेशनल मूवमेंट्स के दौरान, उनसे रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है, जैसे कि हमारी मैगजीन में मेंशन भी है आर्टिकल, लॉर्ड कर्जन, शायद आप प्रॉपर अभी देख नहीं पाए, आप देख लीजिएगा, लॉर्ड कर्जन का एक स्टैचू है जो कि कोलकाता में इंस्टॉल किया गया है। अब लॉर्ड कर्जन तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पेपर 1 का टॉपिक है, तो अब लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड जो भी करंट की न्यूज़ आई आप उस न्यूज़ को पढ़ेंगे, साथ ही साथ लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी उस चीज़ को हमने हमारी मैगजीन में कवर किया है। इससे फ़ायदे होंगे दो, आपका लॉर्ड कर्जन रिवाइज हो जाएगा और पॉसिबिलिटी बनती है कि आने वाले एग्जाम्स में शायद लॉर्ड कर्जन से कोई क्वेश्चन आ जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, पेपर 2 और पेपर 3, ये दो पेपर तो ऐसे हैं जो करंट की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। हमने 2019 के पेपर में भी देखा था कि बायो डिकम्पोजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फार्मिंग, ये जो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो बायो डिकम्पोजर्स पे क्वेश्चन आया था, ये रिलेट कैसे करता है कि स्टेबल बर्निंग बहुत करंट इशू रहता है, तो वो चीज़ें मेंशन आप करेंगे, उस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइंस की फील्ड में जो भी टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं, जैसे कि अभी अब हाल ही में हमने देखा है कि 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च हुई है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले 2021 के मेंस एग्जाम में 5G टेक्नोलॉजी पे, हम ये नहीं कहते कि प्रॉपर वही आएगा 5G टेक्नोलॉजी समझाइए, वो 3 मार्कर्स में आ सकता है, 5 में आ सकता है, 11 में आ सकता है, बट 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आने की हाई चांसेस रहेंगे, पेपर 3 में हो गया। साथ ही हमारे स्कीम्स जो हो गई हैं, कोई भी स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं पेपर 4 में थिंकर्स का, जैसे कि अभी हमने देखा है दीनदयाल जी की वर्षगांठ थी 25 सितंबर को, अरविंदो घोष, अरविंद स्वामी अरविंदो है, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो उनके आर्टिकल्स हमने मेंशन करे हैं जिसका उपयोग आप अपने एग्जाम्स के साथ साथ जो नॉलेज बढ़ाने के भी काम आएंगे। फोकस पहला एग्जाम है। सेकेंड चीज़ है, यहाँ पर इंटरव्यू पे आते हैं, एक सेक्शन है जिसमें हमने मेंशन किया है इंटरव्यू के जो टॉपिक्स हैं इनका थोरो
थॉरो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल मैगजीन में श्रीलंका क्राइसिस अभी रिसेंट हमने देखने को मिला है, श्रीलंका क्राइसिस क्या था, क्या कारण थे, इंडिया का क्या रोल था, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी जो कि आने वाले टाइम में 2019 के इंटरव्यूज़ एंड 2020 के इंटरव्यूज़ में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थर्ड सेक्शन आता है इसमें प्री पॉइंट ऑफ व्यू। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, लास्ट में कुछ चार्ट्स हैं जिसमें इंडेक्सेस हैं, जैसे कि हम नॉर्मल कई वनडे मैगजीन्स में देखते हैं, तो वो सब भी हमने हमारी मैगजीन में इंक्लूड किया है, जिससे आपका प्री के फैक्चुअल चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि सिर्फ आप ये मेंस के आर्टिकल्स पढ़ने से या फिर प्री का जो हमने एंड में दिया है उससे ही आपका फैक्चुअल नॉलेज कवर नहीं होगी। हमारे जो मेंस के आर्टिकल्स हैं उसका जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि आपकी जो प्री की नॉलेज है वो भी कवर हो जाएगी, साथ ही साथ एंड में तो इस चीज़ को हमने मेंशन किया ही हुआ है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्या ये मैगजीन सिर्फ एमपीपीएससी के लिए है। तो इसका आंसर मैं कहना चाहूँगी यस, फोकस तो इसमें एमपीपीएससी को ही लेकर ही बनाया गया था। रीज़न उसका यही है कि मार्केट में बहुत मैगजीन्स आती हैं, लेकिन हमारा जो क्राउड है एमपीपीएससी का अभी ज़्यादा है, एमपीपीएससी की वैकेंसीज भी आ रही हैं, तो इसका ध्यान एमपीपीएससी के हिसाब से बनाया गया है जो स्पेसिफिकली एमपीपीएससी है। लेकिन साथ में जो हमारे एमपी के व्यापम के एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी आपकी मैगजीन हेल्पफुल रहेगी। उसका रीज़न वही है क्योंकि एंड में इसके वन लाइनर्स ऐड किए गए हैं। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस मैगजीन, क्या है इस चीज़ में। इस मैगजीन की ऑथेंटिसिटी के लिए जो भी कंटेंट लिया गया है वह हमने जो गवर्नमेंट की साइट से, जनसंपर्क हो गई आपकी, माई गव, एमपी गव और इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स। बच्चों को हमेशा दिक्कत रहती है कि हम न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर्स में क्या पढ़ें, कौन सा कंटेंट इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को पढ़ें। इसलिए इसमें सारे न्यूज़पेपर्स, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, द ट्रिब्यून, इन सब के आर्टिकल्स का समावेशन, जो कि आप कोई भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसके नीचे प्रॉपरली सोर्स मेंशन है। सो ये मैगजीन का आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने ये मैगजीन क्यों लेकर आए, उनके नोट्स अभी आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज लॉन्च है, क्या ज़रूरत पड़ी इस मैगजीन को लाने के लिए। हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के संस्थापक आशीष पटेल सर जी, उनका कहना था कि जो करंट की चीज़ें हैं उन सब का रिलेवेंस हमारे एमपीपीएससी में बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए हम कंटेंट टीम ने, महात्मा की कंटेंट टीम ने आशीष सर के अंडर में इस मैगजीन को प्रिपेयर किया है, जो कि स्पेशली मेंस के साथ साथ ओवरऑल एक हॉलिस्टिक वे में आपकी एग्जाम अप्रोच को डेवलप करेगी। फर्दर आप इस मैगजीन को पढ़िए, जो भी आपको ग्रेवेंसेज हैं या कुछ भी आपको इसमें कमी लग रही है, फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस। और वैसे हमने कुछ चीज़ें सोची हैं कि नेक्स्ट टाइम जब ये बाई मंथली मैगजीन नवंबर में आएगी तो आपको एक प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट भी हर आर्टिकल के साथ प्रोवाइड करी जाएगी। सो हैव अ रीड ऑफ दिस मैगजीन। थैंक यू।